नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्मार्ट इन्वेंशंस की जिसने लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। खास तौर पर ऐसे लोग जो बोल या देख नहीं पाते, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है और इसी को सरल बनाने के लिए ऐसी मशीनें बनाई गई है जिससे वह सिर्फ आम लोगों की तरह बोल या देख नहीं पाएंगे बल्कि उनसे कुछ हद तक बेहतर भी हो जाएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉकिंग ग्लव्स यानी बोलने वाले दस्ताने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित ये दस्ताने बोल न पाने वाले व्यक्ति और आम व्यक्तियों के बीच के कन्वर्सेशन को आसान बनाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जोधपुर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS जोधपुर के रिसर्चर्स ने साथ मिलकर इसे बनाया है। इसकी कीमत तकरीबन 5,000 रुपये है। इसे चलाने के लिए जिस व्यक्ति ने भी ये दस्ताने पहने हैं उसे साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे इस दस्ताने में लगे सेंसर्स हाथों के एक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और इससे लगे डिवाइस को ऐसे प्रोग्राम किया गया है जिससे वह सिग्नल्स को शब्दों में बदल देता है। और इस ग्लव्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक नहीं बल्कि कई अलग अलग भाषाएं पहले से ही वॉइस रिकॉर्डेड हैं, जो इनमें से निकलते हैं और सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाता है। अब हमारा दूसरा स्मार्ट इन्वेंशन है स्मार्ट ग्लासेस और दिमाग में चिप। द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेनिश वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तकनीक का इजाद कर लिया है जिससे दृष्टिहीन व्यक्ति आसानी से देख सकते हैं। इस तकनीक के जरिए दृष्टिहीन लोगों के दिमाग में एक चिप लगाई जाती है जिससे मरीज के दिमाग के वर्चुअल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे दिमाग के सामने दिखने वाली चीज़ों की स्पष्ट तस्वीर दिमाग में बनती है। दिमाग के सामने वाली चीज़ों को देखने के लिए स्पेन के वैज्ञानिकों ने चश्मा बनाया है जिसके बीच में आर्टिफिशियल रेटिना बना होता है जो दिमाग में लगे चिप से जुड़ा होता है। वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल चिप को भेजती है। चिप उस रोशनी का एनालिसिस करके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में रेटिना के सामने दिख रही चीज़ों की तस्वीर बनाता है। रिसर्चर्स ने इस चश्मे और चिप का परीक्षण 57 वर्षीय महिला पर किया जो 16 साल से देख नहीं पा रही थी, जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन, हमारी रिसर्च या फिर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा